press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों आज जो डिश हम बना रहे हैं वो है ये बहुत ही क्रिस्पी करारे और बहुत ही मसालेदार बेसन वाले करेले। जी हाँ, ये बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत चटपटे और बहुत टेस्टी बनते हैं। एक बहुत अच्छी साइड डिश है और ये बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं खाते वक्त। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें, इसे आप सर्व करें पराठे या रोटी के साथ, बहुत टेस्टी लगेंगे, यकीन मानिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे बहुत 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 सारा प्यार देते हैं, मेरे रेसिपीज को पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, उनको मेरा प्यार भरा धन्यवाद। तो चलिए बनाते हैं ये बढ़िया सी रेसिपी बेसन वाले करेले। तो यहाँ हमने लिए हैं 250 ग्राम करेले, जिनको मैंने इस तरह से धो के अच्छी तरह से और स्लाइसेस में काट लिया है। तो करेलों को हमने स्लाइस कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, करीब आधा चम्मच नमक डाला है मैंने, और इसे अच्छी तरह से हम मसल लेंगे इस तरह से, ताकि इसमें जो भी पानी है वो निकल जाए। और इसे अब हम 15 मिनट तक साइड में इसी तरह से रख देंगे। तो यहाँ जब तक हमने करेले साइड में रखे हैं, यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है गरम होने, लो फ्लेम पे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ बेसन, तो 2 चम्मच बेसन डालूंगी मैं। और अब हम इस बेसन को हल्का सा भून लेंगे लगातार चलाते हुए। ये देखिए, हमें इस बेसन को भून लेना है जब तक ये हल्का सा ब्राउन हो जाए, गोल्डन कलर आ जाए। लगातार चलाते हुए भूने, इसे छोड़े नहीं। और इस तरह से हम पहले बेसन को भून के अलग रख लेंगे। देखिए, इसे कुछ सेकेंड्स ही लगते हैं, फ्लेम बिल्कुल लो रखना है हमने, फ्लेम हाई ना करें। तो यहाँ देखिए, बेसन हमारा भून गया है, करीब 2 मिनट ही लगे हैं, धीमी आंच पे हमने इसे भून लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम गैस फ्लेम कर देंगे बंद और इस बेसन को निकाल के अलग रख देंगे। तो ये देखिए, ये हमने जो करेले रखे थे नमक लगाकर, इनमें से पानी छूट गया है काफी हद तक। तो अब हम इस पानी को निचोड़ देंगे, करेलों को अलग कर देंगे और फिर हम इसके अगले स्टेप पे चलेंगे। तो यहाँ पे हमने करेलों का जो पानी है वो निकाल दिया है और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल के रखा है। ये करीब 1 कटोरी तेल है, क्योंकि हमें अब करेलों को थोड़ा सा इसमें फ्राई करना है। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें करेले डाल देते हैं। गैस फ्लेम इस वक्त हम मीडियम पे रखेंगे। और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमारे करेले अब इस स्टेज पे हैं, ब्राउन होने लगे हैं, फ्राई होने लगे हैं। अब इनको हम जब तक वो क्रिस्पी होते हैं तब तक तलेंगे इसी तरह से, देखिए, ताकि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ हमारे करेले जो हैं वो लो से मीडियम फ्लेम के बीच में अच्छे से करारे तल गए हैं, बहुत क्रिस्पी हो गए हैं। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से सारे करेले तल लेंगे। तो करेले तो हमारे सारे तल दिए हमने और मैंने सारा तेल निकाल के सिर्फ 2 चम्मच तेल कढ़ाई में रहने दिया है। ये वही तेल है, सारा एक्स्ट्रा तेल निकाल के 2 चम्मच मैंने करीब 2 टेबलस्पून कढ़ाई में रखा है। तो अब हम बनाते हैं इसका तड़का। तो इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले जीरा, तो 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ मैं, 1 बड़ा चम्मच, और इसे थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज उसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। अब इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, तो ये 2 मीडियम साइज के प्याज हैं जिनको मैंने लंबा लंबा काट लिया है, वो ऐड कर देंगे हम। मिला लेंगे इसे, इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा प्याज पक जाए बस उतना ही करना है, मतलब इसका थोड़ा क्रंचीनेस रहने देना है हमें।
दोस्तों यहाँ मैं आपसे एक और चीज शेयर करना चाहूंगी कि मेरा इंस्टा हैंडल है @gayatreescookingclub। आप प्लीज मुझे वहां भी फॉलो करें क्योंकि अब बहुत जल्द मैं वहां लाइव सेशंस भी करूंगी। और मेरे मन में ऐसा ख्याल है कि आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया है, मेरे सब्सक्राइबर्स ने, तो मैं बहुत जल्द वहां पे गिव अवे भी अनाउंस करना शुरू करूंगी। तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टा आईडी को भी फॉलो करें जहाँ पे आप लेटेस्ट अपडेट्स देख सकें मेरी, और मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है गायत्रीज कुकिंग क्लब के नाम का, आप मुझे वहां भी फॉलो करें क्योंकि वहां भी मेरे लाइव सेशन और रेसिपीज होती हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो इसे 1 से 2 मिनट हम पका लेंगे। तो ये हल्का सा प्याज हमारा पक गया है, देखिए इसे ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है क्योंकि मुझे इसका क्रंचीनेस चाहिए। तो प्याज पकने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे तले हुए करेले, जितने भी हमने फ्राई किए थे, इसे भी मिला लेंगे प्याज के साथ। दोस्तों ये रेसिपी बहुत जल्दी बनती है और बहुत टेस्टी लगती है, आप ज़रूर इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कैसे लगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो नॉर्मल होममेड रेसिपीज़ हैं वो भी आपके साथ शेयर करूं, और जो रेस्टोरेंट स्टाइल होती हैं, ऑथेंटिक होती हैं, ट्रेडिशनल होती हैं, वो भी शेयर करूं। तो अगर आप मुझसे और कुछ भी जानना चाहते हैं रेसिपीज़ में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। तो ये मिला लिया हमने, अब हम इसमें डालेंगे हमारे कुछ ड्राई मसाले। तो यहां मैं ले रही हूं 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। नमक मैं ले रही हूं स्वाद अनुसार, आप अपने स्वाद के अनुसार लें। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून मैं ले रही हूं हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। तो ये सारे मसाले हम इसमें अब मिला लेंगे। लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है, और हमें अगर जरूरत पड़ी, अगर हमें लगा कि ये सब्जी बहुत ड्राई है, तो हम इसमें 1-2 चम्मच तेल और ऐड करेंगे जो हमारा गरम तेल बचा है। तो देखिए ये मसाले तो इसमें मिक्स हो गए। तो यहाँ जो हमारे सूखे मसाले हैं, ड्राई मसाले, वो मिक्स हो चुके हैं, और अब बारी आती है इसमें बेसन ऐड करने की। तो ये जो बेसन हमने भून के रखा था, अब इसे मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे मिला लेंगे हम। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। अब इसमें आप चाहें, अगर आप अमचूर पाउडर नहीं डालना चाहें तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और ये क्रिस्पी क्रिस्पी करारे करारे करेले बहुत ही यमी लगते हैं, एक बहुत अच्छी साइड डिश है ये। तो यहां अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब्जी काफी हद तक ड्राई लग रही है क्योंकि बेसन और सूखे मसाले हमने डाले हैं और तेल हमने शुरू में कम ही रखा था। तो अब मैं इसमें 1 से 2 चम्मच तेल ऐड कर दूंगी, ये वो ही तेल है जो हमने निकाल के रखा था। तो ये इस वक्त गर्म है, मिला लेंगे इसे भी। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो बेसन है वो अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो बस हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे थोड़ा सा हरा धनिया डाल के गार्निश करेंगे। तो यहाँ हम ऐड कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, और गैस फ्लेम हम कर देंगे ऑफ, और लीजिए हमारी बढ़िया सी बेसन वाले करेले तैयार हैं। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारी ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही करारी और बहुत ही क्रिस्पी करेले, बेसन वाले करेले बिल्कुल तैयार हैं। और आपने देखा ये कितने सिंपल हैं बनाने में, तो झटपट बन जाते हैं। जब मन करे कुछ चटपटा करारा सा खाने का तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। देखिए, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ, टिल देन गुड बाय।